शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा महान शिव महापुराण शिव महापुराण शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय कंठ शंभु अविनाशी गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नील कंठ शंभु अविनाशी गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव भक्ति में लीन श्रीकर को उसकी ग्वालन माता गोपा के कोप से बचाने के लिए भगवान शिव स्वयं श्रीकर का रूप धारण करके वन में गौएं चराने चले जाते हैं। उधर श्रीकर की माता जब उसे ढूंढ निकालती है तो क्रोध में आपा खोकर वो श्रीकर को बुरी तरह पीटती है। उधर नारद मुनि कैलाश पहुंचकर शिव को जब वहां अनुपस्थित पाते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है और वे शिव को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर गोपा जब घर पहुंचती है तो उसका पति उसे बताता है कि श्रीकर एक भले बालक की भांति गाय चराने वन में गया है। जब गोपा श्रीकर को गैया चराते और बांसुरी बजाते प्रत्यक्ष देखती है तो उसका मातृ प्रेम उमड़ पड़ता है। देवर्षि नारद भक्त के लिए भगवान की ये लीला देखकर परम प्रसन्न होते हैं। उधर शिव भक्त वेद प्रिय और उसके चार पुत्रों को शिव आराधना करते देखकर दूषण के राक्षसों का कोप उन पर बरस पड़ता है। वे राक्षस शिव भक्त श्रीकर के पास भी पहुंचते हैं और शिवलिंग को तोड़ने के लिए उस पर प्रहार करते हैं, परंतु चमत्कारी शिवलिंग से भयानक ज्वाला प्रकट होती है और राक्षस भयभीत होकर भाग जाते हैं। अत्याचारी दूषण पकड़े गए ब्राह्मणों को कारागार में डालने का आदेश देता है और वेद प्रिय तथा श्रीकर को समाप्त करने के लिए स्वयं उज्जयिनी जाता है। उसके अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। तत्पश्चात शिव भक्तों की पुकार से द्रवित होकर भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट होकर दूषण को अपनी नेत्र ज्वाला से भस्म कर देते हैं तथा उसकी राख से अपने शरीर को आवेष्टित करके चिता भस्मधारी महाकाल बन जाते हैं। शिव उसी समय अपने परम भक्तों वेद प्रिय तथा श्रीकर को अमर कीर्ति का वरदान देकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जयिनी नगरी में सदा सदा के लिए विराजित हो जाते हैं। दैत्य कुल शिरोमणि बलि अपनी शिव भक्ति के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था।
जब दैत्य राज सभा में बलि की जय जयकार हो रही थी, राहु का शीश वहां आता है और बलि को स्वर्ग लोक पर आक्रमण के लिए उत्तेजित करता है। बलि विवश होकर अपने राक्षसों को स्वर्ग लोक पर अधिकार करने का आदेश देता है। इंद्र तथा उसके साथी देवता प्राण बचाने के लिए स्वर्ग से भाग निकलते हैं। जब देवगण अपने गुरु बृहस्पति के पास अपनी पराजय का समाचार लेकर पहुंचते हैं, तो बृहस्पति मार्गदर्शन के लिए परमपिता ब्रह्मदेव की शरण में जाने का परामर्श देते हैं। ब्रह्मदेव देवताओं की व्यथा कथा सुनकर कहते हैं कि एकमात्र भगवान शिव ही उन्हें इस संकट से मुक्त करा सकते हैं। आज हम धन्य हुए। स्वर्ग विजय के इस अवसर पर आपने यहाँ पधारकर हम दैत्यों को सम्मान दिया है। महाराज प्रह्लाद, दैत्यों ने अपने बाहुबल से ये स्वर्ग सिंहासन प्राप्त किया है। दैत्यों का स्वर्ग पर अधिकार करना हम सबके लिए गौरव की बात है। आप दैत्य कुल श्रेष्ठ हैं पितामह, इस स्वर्ग सिंहासन पर बैठने का आपको अधिकार है। विराजिए पितामह। बलि, जिसने अपना सर्वस्व त्याग कर संन्यास धारण कर लिया हो, उसे भला राज सिंहासन से क्या मोह हो? ये राज सिंहासन तुम्हारा है, तुमने इसे अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। पितामह, स्वर्ग विजय हमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। दैत्य गुरु, इस कृपा के लिए हम सभी आपके कृतज्ञ हैं। अब आप दैत्यराज बलि के स्वर्गारोहण के उपलक्ष्य में राज तिलक करके इन्हें राज सिंहासन पर बिठाइए। नहीं, आप दैत्यों के पूर्वज हैं, सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं। यह शुभ कार्य आपके हाथों ही संपन्न होगा दैत्य पितामह। आइए दैत्य पितामह। आओ पौत्र। Thank you.
राज सिंहासन पर विराजो पौत्र। विराजिए पितामह। विराजिए गुरुदेव। स्वर्गाधिपति महाराज बलि की जय। महाराज बलि की जय। दैत्यराज बलि, हम इस बात से अत्यंत प्रसन्न हैं कि स्वर्ग का सिंहासन तुमने अधर्म या अत्याचार से नहीं अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। इस शुभ अवसर पर हम तुम्हें एक परामर्श देना चाहते हैं। आदेश दीजिए दैत्य पितामह। दैत्यराज बले आपके पौत्र पहले हैं, राजा बाद में। इन पर आपका सर्वदा अधिकार है। आज्ञा कीजिए पितामह। आपकी हर आज्ञा हमें शिरोधार्य है। पौत्र बलि, दैत्यों के माथे पर जो दुष्टता तथा अत्याचार का कलंक लगा है वो अत्यंत निंदनीय तथा घृणित है। उसे तुम्हें मिटाना होगा। हम आपका तात्पर्य समझ नहीं सके दैत्य पितामह। हम यही चाहते हैं कि दैत्य अधर्म अत्याचार का मार्ग त्याग दें। जो अधर्म अत्याचार करते हैं उसका कुपरिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। हम आपके विचार से सहमत है पितामह। दैत्यराज बलि, तुम्हें इस बात का सदैव ध्यान रखना होगा कि धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कभी कोई कष्ट न पहुंचने पाए। आपके हर आदेश का पालन होगा पितामह। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम धर्म के मार्ग से कभी विचलित न हो। धर्म रक्षक दैत्य के रूप में तुम्हारा नाम सदैव अमर रहे, यही हमारा आशीर्वाद है। स्वर्गाधिपति दैत्यराज सावधान। दैत्यराज बलि, आपके धर्मात्मा पितामह प्रहलाद आपको धर्म रक्षकों में अमर होने का आशीर्वाद देकर गए हैं। ये वही पितामह प्रहलाद हैं जिन्होंने अपने पिता हिरण्यकश्यपु की आज्ञा को उल्लंघन करके विष्णु भक्ति को अपना धर्म माना था। राहू, हम अपने पितामह के विरुद्ध कुछ भी सुनना नहीं चाहते। मैं आपको सावधान करने आया हूं महाराज। कहीं धर्म के नाम पर पितामह उसी विष्णु की भक्ति का उपदेश देकर तो नहीं गए जो दैत्यों का जन्मजात शत्रु है। राहू की बात पर ध्यान देना आवश्यक है दैत्यराज। दैत्य गुरु, पितामह की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम अपने धर्म के मार्ग से कभी विमुख नहीं होंगे। महाराज बलि,
मैं तो आपको सावधान करने आया था महाराज, इस धर्म के मार्ग पर चलकर कहीं आप अपना दैत्य धर्म ना भूल जाए। सावधान रहिए दैत्यराज, सावधान, सावधान रहिए दैत्यराज, सावधान। भगवान शिव शंकर की विश्वेश्वर, ब्रह्मदेव की आज्ञा से हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया हमें इस संकट से उबारिए दीनानाथ। देवराज, आप किस संकट की बात कर रहे हैं? अंतर्यामी, आप सब कुछ जानते हैं। आपके परम भक्त विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि ने बलपूर्वक स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। हम चिंतित हो गए हैं महादेव। हमने तो देवताओं तथा दैत्यों का विवाद समाप्त करने के लिए सदैव ही प्रयत्न किया है, किंतु देवताओं ने न्याय का साथ नहीं दिया। देवराज, देवताओं तथा दैत्यों के संघर्ष की परिणति इसके अतिरिक्त और क्या हो सकती है? आप तो स्वयं जानते हैं कि दैत्यराज बलि ने कपट का प्रतिशोध लिया है। जब तक प्रतिशोध की भावना समाप्त नहीं होगी, संघर्ष तो चलता ही रहेगा। महेश्वर, स्वर्ग देवताओं का है, बलि इस बात को जानते हैं, वे धर्मात्मा है, न्यायप्रिय है, फिर उन्होंने ऐसा अन्याय क्यों किया? प्रतिशोध की भावना के कारण ही ऐसे अनर्थ होते हैं देवगुरु। देवाधिदेव, हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं। बलि को आप स्वर्ग से निकल जाने का आदेश दीजिए भगवान। देव दैत्यों के इस विवाद में हमें न डालिए, हम तो दोनों के ही आराध्य हैं, दोनों हमारे लिए एक समान है। तात्पर्य है कि बलि किसी उपाय से स्वर्ग का सिंहासन नहीं छोड़ेंगे, फिर हमें क्या करना चाहिए महादेव? देवराज, बलि ने बलपूर्वक स्वर्ग का सिंहासन छीना है, उसे बलपूर्वक ही हटाया जा सकता है। देवाधिदेव, वो बल हम कैसे प्राप्त करेंगे? कोई उपाय बताइए। देवता धर्म यज्ञ करके बल प्राप्त करें। धर्म का बल सबसे बड़ा बल होता है। धर्म यज्ञ से प्राप्त शक्ति द्वारा स्वर्ग का मार्ग सरल हो जाएगा। यदि स्वर्ग प्राप्त के लिए एकमात्र यही उपाय है, तो आपके द्वारा सुझाया गया धर्म यज्ञ हम अवश्य करेंगे महादेव। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। असुर राज महाराज बलि की जय। असुर वीरों, इस सिंहासन के स्वामी दैत्यराज महाराज बलि आप सबके पराक्रम से स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। स्वर्ग से लेकर दैत्यलोक तक असुर राज की जय जयकार हो रही है। कुटिल देवता अपना मुख छिपाने के लिए यहाँ वहाँ स्थान ढूंढ रहे हैं। ये आपका भ्रम है, ऐसा मिथ्या अनुमान न कीजिए सेना नायक। स्वर्ग का वैभव छिन जाने के पश्चात देवता शांत नहीं बैठेंगे। राहु, पराजित देवताओं में इतना साहस नहीं है कि वे महाराज बलि के पराक्रम को भूल जाएं। दुख तो इसी बात का है कि महाराज बलि स्वयं अपना पराक्रम भूल गए हैं। राहु, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? जानता हूं, इसलिए तो कह रहा कि महाराज बलि के आचार विचार में भी परिवर्तन आ गया। राहु, तुम न्यायशील महाराज पर दोषारोपण कर रहे हो। दोषारोपण करने का ना मुझ में साहस है और ना ही मेरी इच्छा, किंतु सत्य कहने के लिए विवश हूं। आज दैत्यराज बलि अपना दैत्य धर्म भूल गए। राहु, तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारे मुख से बोल रहा है। मैं तो पहले से ही अपने दुर्भाग्य का फल भोग रहा हूं,
आज दैत्यों का दुर्भाग्य मेरे मुख से बोल रहा है। यह कैसी विडंबना है? महाराज बलि के मन पर उनके परम पितामह प्रहलाद के उपदेशों का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि वे भगवान भोले शंकर के समान विष्णु को भी दैत्यों का सुभिक्षु समझने लगे। तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिस कपटी विष्णु ने मेरे एक घुट अमृत पी लेने के कारण धड़ से मेरा मस्तक अलग कर दिया, जिस विष्णु ने वाराह का रूप धारण करके हमारे पूर्वज हिरण्याक्ष का वध कर डाला, जिस विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण करके हमारे पूर्वज हिरण्यकश्यप का वध कर डाला, क्या उस कपटी विष्णु को आप दैत्यों का सुभिक्षु मानेंगे? नहीं नहीं, कदापि नहीं। वो कपटी है, विष्णु को हम अपना शत्रु मानते हैं। तो सावधान दैत्यवीरो, आप दैत्यवीरों को अपने सम्मान और अस्तित्व की रक्षा के लिए युद्ध करना होगा। देवता हमसे युद्ध करेंगे? क्या उनमें इतनी शक्ति और साहस है? देवता शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अपने गुरु बृहस्पति के आग्रह पर ब्रह्मा की प्रेरणा से महायज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ से शक्ति प्राप्त होते ही देवता पुनः स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लेंगे। हम उनकी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होने देंगे। तो उसके लिए केवल एक ही उपाय है, देवताओं का यज्ञ पूर्ण हो उसके पहले उसे ध्वस्त कर दो। ऐसा ही होगा। असुर राज महाराज बलि की जय। दैत्यराज, दैत्यराज, दैत्यराज बलि अनर्थ हो गया। दैत्यराज बलि अनर्थ? कैसा अनर्थ? दैत्यराज, दैत्यराज दुष्ट देवताओं का शक्ति एक सफल हो चुका है और उन्हें फिर से शक्ति प्राप्त हो चुकी है। वो असुरों को मार मार कर उनसे प्रतिशोध ले रहे हैं। देवराज इंद्र शक्ति प्राप्त करके इसी ओर बढ़ा रहा है महाराज। सावधान दैत्य वीरो, सावधान। अब हम तुम्हें सावधान होने का अवसर नहीं देंगे बलि। हमारे शक्तिशाली वज्र प्रहार से अब तू बच नहीं पाएगा। दैत्य वीरो, नहीं पाएगा। चलो भागो भागो, हमारे दैत्यराज बलि मारे गए, दैत्यराज बलि मारे गए। वीर देवताओं, बलि का वध करके हमने स्वर्ग का साम्राज्य पुनः प्राप्त कर लिया है। देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र की जय। समाप्त कर दो दैत्यों को, एक भी दैत्य स्वर्ग से जीवित बचकर भागने न पाए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। पधारिये ब्रह्मदेव, पधारिये विष्णुदेव, देवगुरु पधारिये।
महादेव, आपके परामर्श द्वारा देवताओं ने धर्म यज्ञ से शक्ति प्राप्त करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। देवता और दैत्यों के संग्राम में दैत्य राज बलि मारे गए, परंतु परंतु क्या श्रीहरि? परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने आपकी ही कृपा से प्राप्त मृत्यु संजीवनी विद्या द्वारा बलि को पुनः जीवित कर दिया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के शुभचिंतक हैं। उन्होंने वही किया जो उनके लिए उचित था। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि को केवल जीवित ही नहीं किया, उन्होंने तो बलि द्वारा त्रैलोक के विजय के लिए नर्मदा तट पर 100 अश्वमेध यज्ञों का संकल्प भी करवाया है। और उनका 125 अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो चुका है महादेव। यदि यह 125 यज्ञ पूर्ण हो गया तो बलि को स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल इन तीनों लोक पर अधिकार करने से कोई नहीं रोक सकता। शिव शंकर, इस आने वाली विपत्ति के निवारण के लिए असहाय देवता आपकी शरण में आए हैं, इनकी सहायता कीजिए महादेव। भगवान विष्णु, विपत्ति आने पर आपने सदा ही देवताओं की सहायता की है, इस बार आपने इन्हें कोई उपाय नहीं सुझाया। नारायण नारायण। प्रभु, सभी उपायों के जन्मदाता तो आप हैं, आप जन्म मरण का विधान भी बदल सकते हैं। परमपिता ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु आपकी आज्ञा के अधीन हैं। नारद ठीक कह रहे हैं शंभु, संकट के समय जब कोई उपाय सुझाई नहीं देता तो हम आप ही की शरण में आते हैं। यदि बलि का 125 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तो हमारा क्या होगा भोलेनाथ? प्रभु, देवताओं की दशा क्या होगी यह आप भली भांति जानते हैं। दैत्य हमारे जन्मजात शत्रु हैं प्रभु, यदि दैत्यों का तीनों लोक पर अधिकार हो गया तो हम देवताओं का क्या होगा? महादेव, यज्ञ पूर्ण होते ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य सर्वप्रथम बलि को पुनः स्वर्ग पर अधिकार पाने के लिए उत्तेजित करेंगे। अब आप ही बताइए महादेव, आश्रयहीन देवता कैसे जिएंगे, कहां जाएंगे वो? परिस्थिति की गंभीरता पर विचार कीजिए नाथ, आप ही बताइए इस संकट की घड़ी में हम क्या करें। परिस्थिति की गंभीरता को हम भली भांति समझते हैं देवराज। इस संकट से उबारने के लिए देवताओं के रक्षक भगवान विष्णु को ही ऐसा उपाय सोचे जिससे देवता, दानव, मानव सभी का कल्याण हो। देवाधिदेव, मेरा प्रत्येक कार्य आप ही की प्रेरणा से होता है। आपकी आज्ञा अनुसार सौंपा गया यह उत्तरदायित्व मैं अवश्य निभाने का प्रयत्न करूंगा। जय शिव शंकर। देवता निश्चिंत रहें, उनके संकट का निवारण हो गया। नारायण नारायण। ओम काल काल कृपा निधि सर्वेश्वराय नमः स्वाहा। काल काल कृपा निधि सर्वेश्वराय नमः स्वाहा। पिनाकी शशि शेखराय नमः स्वाहा। शंकर शूल पाणियाय नमः स्वाहा। वामदेवो निरूपाक्षाय स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा। ओम सद्योजाताय नमः स्वाहा। ओम वामदेवाय नमः स्वाहा। ओम अघोराय नमः स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय नमः स्वाहा।
राजन, आपके द्वारा संकल्प की हुई सारी आहुतियां संपन्न हुई। सौभाग्यवती भव, यशस्वी भव। इंद्र, प्रणाम माते। माते, ऐसी कौन सी घटना हुई जो तुम्हें स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी लोक पर आना पड़ा? पुत्र, माता, दैत्यराज बलि तथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा संपादित उनका अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है। दैत्य सैनिक स्वर्ग के आसपास मंडराने लगे हैं। बड़ा ही अशुभ समाचार दिया तुमने पुत्र। हाँ माता, लगता है देवताओं को फिर स्वर्ग से वंचित होना पड़ेगा। हम निराश्रित होकर कहाँ जाएंगे? तुम नारी शक्ति को नहीं जानते पुत्र। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं। इसी आशा से आपके पावन चरणों में आया हूं माते। मैं तुम्हारे पिता कश्यप ऋषि से प्रार्थना करूंगी, वे स्वर्ग की रक्षा का कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएंगे। पिताश्री देवता और दैत्य दोनों के जन्मदाता हैं, वे आपकी बातों पर ध्यान देंगे माते। अवश्य देंगे, मैं उन्हें मनाऊंगी। आओ मेरे साथ। आंखें खोलिए स्वामी, अदिति आपके चरणों में उपस्थित है। पिताश्री, 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 पुत्र इंद्र, तुम यहां? हमारे पास आने का कारण? पिताश्री, हमारे दैत्य बंधुओं ने शत्रुता की अग्नि को पुनः दावानल की तरह फैलाने का कार्य आरंभ कर दिया है। आप तो जानते ही हैं, दैत्यराज बलि अपना अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर रहे हैं। स्वामी, सौवा यज्ञ पूर्ण होते ही दैत्य शक्ति प्राप्त करके सर्वदा के लिए स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे। मेरे देवता पुत्र निराश्रित हो जाएंगे। ऐसा कदापि न होगा पुत्र। पुत्र तुम निश्चिंत रहो। आती हुई विपत्ति देखकर कोई कैसे निश्चिंत रह सकता है स्वामी? पिताश्री,
सौ अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होते ही बलि स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ जाएंगे, फिर उन्हें कोई भी शक्ति नहीं हटा सकती। दैत्य गुरु शुक्राचार्य इसी उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर रहे हैं। बड़ी विचित्र परिस्थिति है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के माध्यम से और देव गुरु बृहस्पति देवताओं के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, और मेरी दोनों पत्नियां दीति और अदिति अपने अपने पुत्रों के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखा रही हैं, और मैं दोनों का पिता हूं। दैत्य और देवता दोनों ही मेरे पुत्र हैं। समझ में नहीं आता कि मैं किसका पक्ष लूं। आप न्याय का पक्ष लीजिए स्वामी। अदिति, मेरे लिए जानना भी कठिन है कि कौन न्याय पर है और कौन अन्याय पर। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें परमपिता ब्रह्मा की शरण में जाना होगा। पिताश्री, आपके परम पूज्य पिता ब्रह्मदेव एवं भगवान विष्णु हम देवताओं के साथ कैलाशपति शिव की शरण में गए थे। भगवान शिव ने भगवान विष्णु से हमारी सहायता का अनुरोध भी किया था, परंतु भगवान विष्णु ने अभी तक कुछ नहीं किया। भगवान विष्णु कब करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनका रहस्य कोई नहीं जान सकता पुत्र, कोई नहीं। किंतु मैं तो हताश हो चुका हूं पिताश्री। भय के कारण ही तुम हताश हो रहे हो पुत्र इंद्र। इसीलिए तो आपकी शरण में आया है स्वामी, देवताओं की रक्षा के लिए कुछ कीजिए, कुछ कीजिए स्वामी। मुझे तो कोई उपाय नहीं सुझाई दे रहा है देवी, परंतु मुझे विश्वास है जगत के रचयिता परमपिता अवश्य कोई ऐसा मार्ग सुझाएंगे जिससे देवता और दैत्य दोनों का अहित ना हो और दोनों ही शांतिपूर्वक रहें। स्वामी, दैत्य भी हमारे ही पुत्र हैं, वे भले ही तीनों लोक के स्वामी बन जाएं, परंतु मेरे पुत्र देवताओं को स्वर्ग में सुख शांति से रहने दें। भला कौन ऐसा आश्वासन दे सकता है? क्या दीति और तुम ऐसा आश्वासन दे सकती हो? क्या तुम अपने अपने पुत्रों को अपने वश में रख सकती हो? नहीं, वे तरुण है, समर्थ है, अपनी मनमानी करते रहेंगे। बताइए नाथ, भला मेरे पुत्रों के प्राणों की रक्षा कैसे होगी? चिंता न करो देवी, हम परमपिता ब्रह्मदेव की शरण में चलते हैं, कोई न कोई मार्ग हमें अवश्य बताएंगे। चलिए स्वामी, चलिए, अपने पुत्रों को संकट से उबारने के लिए मैं उनके चरणों में प्रार्थना करूंगी। आओ चलो। ओम नमः शिवाय। त्राहि माम, 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 परमपिता, त्राहि माम। वत्स कश्यप, देवी अदिति, देव राजेंद्र, आप तीनों के यहां एक साथ आने का कारण? मेरे पुत्र इंद्र की रक्षा कीजिए, हम सब आपकी शरण में आए हैं। परमपिता, आप ही इंद्र और उनकी माता अदिति को चिंता मुक्त कर सकते हैं, इसीलिए मैं इन्हें आपके चरणों में लाया हूं। हमें ज्ञात, देवराज बलि के अश्वमेध यज्ञों से भयभीत होकर यहां आए हैं। हाँ, हम सब यज्ञ के परिणाम से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं परमपिता। परमपिता, आप तो सब कुछ प्रत्यक्ष देख रहे हैं,
कैलाश पर भोलेनाथ ने आपको आश्वासन दिया था। ऐसा लगता है देवराज कि भोलेनाथ के दिए आश्वासन से आप संतुष्ट नहीं हुए। कैसे संतोष रखूं परमपिता? अश्वमेध यज्ञों के प्रभाव से स्वर्ग पर दैत्यों की काली छाया अभी से मंडराने लगी है और उधर भगवान विष्णु मौन है। भगवान विष्णु तुम्हारी भांति उद्विग्न होकर कोई कार्य नहीं करते इंद्रदेव। वे देवताओं के प्रिय हैं तो दैत्यों को अपना शत्रु नहीं समझते। अधर्म अकर्म सृष्टि के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य उनके शत्रु हैं। वे समय पर ही उचित कार्य करते हैं। परमपिता, मेरे पुत्र का धैर्य टूट रहा है। धैर्य टूटने पर सफलता पास आकर लौट जाती है देवी। क्षमा करें परमपिता, हम भगवान विष्णु पर कोई दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, परंतु इतना अवश्य कहेंगे कि यदि भगवान विष्णु चाहें तो वे अपने परम भक्त प्रहलाद द्वारा बलि पर प्रभाव डालकर ये अश्वमेघ यज्ञ रुकवा सकते हैं। यज्ञ रोकने का प्रयास महापाप होता है देवी अदिति। भक्त प्रहलाद ऐसा कदापि नहीं करेंगे। हम पुनः कहते हैं, भगवान भोलेनाथ के निर्देश का पालन भगवान विष्णु अवश्य करेंगे। कब, कैसे? बलि का समय अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाने के पश्चात? भय के कारण इंद्र का विवेक अस्थिर हो रहा है परमपिता। देवराज इंद्र व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हैं। भगवान विष्णु इन्हें इस संकट से अवश्य निकालेंगे। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए परमपिता। अपने पुत्र के हित के लिए मैं उनकी शरण में जाऊंगी, उनसे प्रार्थना करूंगी। देवी अदिति, पुत्र मोह से आप विक्षिप्त न हो। क्षीर सागर के अमृत तीर्थ पर जाकर सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करो। तुम्हारी तपस्या से उत्पन्न शक्ति बलि के यज्ञों से भी अधिक प्रभावशाली होगी। तुम्हारे प्रिय पुत्र इंद्र का यह संकट अवश्य दूर होगा। जो आज्ञा परमपिता, मुझे और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र की मनोकामना पूर्ण हो। शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गा।